सर्वाइवल ड्रामा है, इट्स अ क्लॉस्ट्रोफोबिक थ्रिलर। एक आदमी किसी एक डार्क सिचुएशन में फंस जाता है और उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वो थ्रिलर है क्योंकि वो हर मिनट के साथ मौत की तरफ बढ़ रहा है। वो काफ़ी कोशिश करता है तो लोग किसी उसकी कहानी पे बिलीव नहीं करते हैं। दैट्स द स्टोरी। बाकी क्योंकि इससे ज़्यादा बताया नहीं जा सकता क्योंकि फिर थ्रिलर है तो आप लोगों को देखना पड़ेगी फिल्म उसके लिए। सर वो स्टोरी का बहुत इंटीग्रल पार्ट है। आप लोगों ने जो ट्रेलर देखा है वो ट्रेलर नॉर्मली क्या होता है कि जब लोग अपनी फिल्म बनाते हैं तो जो फिल्म के सबसे अच्छे पार्ट होते हैं वो ट्रेलर में लगाते हैं। मैंने जो सबसे अच्छे हैं वो छुपा के रखे हैं। ट्रेलर में सिर्फ उतना सा दिखाया है जितना सा मतलब उससे आपको कहानी के बारे में कोई कुछ पता नहीं चले, क्योंकि इसके अंदर इतने टर्न्स एंड ट्विस्ट हैं कि उसके बारे में एक बात भी बोल दूँ, अगर ये भी बोल दूँ कि उसके पास फ़ोन कहाँ से आया तो वो कहानी की कई चीज़ें खुल जाती हैं। खुद को डायरेक्ट करना नहीं, जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं तो भी कहीं ना कहीं खुद को डायरेक्ट ही कर रहे होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब मैं उस तरफ जाके भी देखता हूँ फिर इस तरफ आके करता हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इसलिए हो जाता है कि आप एक बार काम करते हैं फिर वापस भाग के जाके चेक करना पड़ता है, फिर आते हैं, फिर करते हैं, फिर देखते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाता है। अदरवाइज तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। हाईलाइट के बारे में बात करें तो मतलब क्या ये रियल झारखंडी से बिहार की स्टोरी से होती है? कभी कभी एक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब कोई फंस जाता है? नहीं, ये एक फिक्शनल स्टोरी है, इसका मतलब कोई कोई रियल स्टोरी से उठाया हुआ नहीं है। एक डार्क स्टोरी देखिए, क्योंकि मैं लिखता रहता हूँ, मैंने काफ़ी लिखी हूँ, मेरे लिखने का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा मैं डार्क साइड में लिखता हूँ। मैं वो लव स्टोरीज़ और वो जो हो रहा है वो फार्मूला फिल्म्स वो मैंने लिखी, मेरी जितनी भी हैं सब बड़ी यूनिक और डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, तो ये उसी का एक पार्ट है। उसमें से एक लिख के रखी थी, फिर ये जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनको काफ़ी टाइम से ये स्टोरी अच्छी लगी थी। जब भी मैं किसी के पास ले आता था वो कहते थे लेके मत जाना, मैं ही करूँगा। फिर वो फाइनली उनके साथ मैंने करी। क्या चीज़ सर? कॉन्सेप्ट जो है ये थ्रिलर है, सस्पेंस है, और ये एक सर्वाइवल ड्रामा है जिसमें कि एक आदमी एक ऐसी जगह पे फंसा हुआ है जहाँ पे वो किसी भी क्षण किसी भी मिनट मर सकता है। वो हर जाते हुए टाइम के साथ अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। वो क्या होता है उसका, वो मर जाता है कि बचता है, उसने कोशिशें करी हैं अपनी, ये उसकी पूरी उसकी कहानी है, उसकी अपनी कोशिशों की। हाँ, उसकी लोकेशन भी ट्रेस करी थी, लोकेशन ट्रेस करके भी जाते हैं लोग उसके पास। वो पार्ट है, वो आगे जब आप वो फिल्म के अंदर है जब आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको। फिल्म की लोकेशन हमने उत्तर प्रदेश में शूट करा है, फूलपुर, प्रतापपुर, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की काफ़ी जगह हम लोगों ने यूज़ करी है। सारा पूरी फिल्म स्टार्ट टू फिनिश उत्तर प्रदेश की है। इस फिल्म के अंदर एक गाना है और जो गाना है वो उसका टाइटल है ए आसमान वाले। तो गाना जो हमारे प्रोड्यूसर हैं प्रशांत सिंह, उन्होंने इसका म्यूज़िक दिया है, ये म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, और शकील आज़मी ने इसके लिरिक्स लिखे हैं, और सिंगर जो हैं कृष्णा बेहूरा, उन्होंने वो गाना गाया है। तो वो गाना जो है वो शिकायत है ऊपर वाले से कि ए आसमान वाले, जब तूने हमें बनाया तो मुश्किलें क्यों दी? बनाना ही था, ये दुनिया बनाई थी तो आसान भी बना सकता था। तो उसकी वो एक पूरी शिकायत है गाने के अंदर, तो आप जब सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। परसों गाना रिलीज़ होगा। सर हम लोगों ने थिएटर से लिए हैं सारे, तो मैं हूँ, दधी पांडे हैं, तरुणा सिंह हैं, मंजू गुप्ता हैं, सुधाकर मणि हैं, ये थिएटर के एक्टर्स हैं इसके। आपके लिए डिफ़िकल्ट डायरेक्शन के डायरेक्शन में टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, सब देखना होता है। जब मैं बैठ के डब्बे के अंदर जब मैं कर रहा था तो पता चला कि वो जनरेटर वाले के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, अब वो डब्बे में से निकल के भाग के जाके वो जनरेटर वाले से बात करना पड़ी। तो ये सब एक्टिंग जब कर रहे होते हैं तो नहीं होता, तब बेफिक्र होकर कर रहे होते हैं। इसमें थोड़े से मल्टीटास्किंग ज़्यादा होती है, इशूज़ ज़्यादा चल रहे होते हैं, माइंड ज़्यादा ऑक्यूपाइड होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, एक्टिंग से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर दोनों को मिक्स करते हैं तो। हमने इसको 27 दिन में कम्प्लीट करा है। ये इसी महीने के एंड में रिलीज करेंगे इसको, दिवाली के आसपास। दिवाली के आसपास सुना, ये तो ये बिल्कुल हटके एक सब्जेक्ट है जो आजकल की जितनी फिल्म्स बन रही हैं उसमें से तो काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने कहा इसको करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इसमें आपका म्यूजिक भी है? हाँ जी, एक ही गाना है,
फिलोसफिकल गाना है, कृष्णा जी ने गाया है, शकी भाई ने लिखा है, तो आप लोग सुनेंगे तो हो सकता है आपको भी अच्छा लगे। इस फिल्म में ये सस्पेंस है और एक आदमी के जीवन में एक दिन में क्या ऐसा हो जाता है कि उसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो पता चल जाता है उसको कि भाई जीवन में कुछ नहीं रखा है, ये सब मोह माया ही है। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि क्या है। दिवाली के टाइम में रिलीज कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें बिल्कुल हैं, अच्छी उम्मीदें हैं कि लोग पसंद करेंगे। आपको क्यों लगा यही पिक्चर करना, लोग बोल्ड बनाते, मतलब इस तरीके की पिक्चर ये बोल्ड बनाना, बोल्ड बनाना मेरा, मुझे ये पिक्चर, ये सब्जेक्ट अच्छा लगा क्योंकि डिफरेंट था ये, तो इसलिए मैंने। सर म्यूजिक जो आपने रेडी किया है स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली नहीं, गाना सिचुएशन के अकॉर्डिंग हुआ है, मतलब सिचुएशन सामने आई। हाँ उसी टाइम। ये थिएटर के लिए मतलब बनाया आपने, ओटीटी पे कहाँ रिलीज़ किया? नहीं थिएटर के लिए है और ओटीटी पर भी अगर जाएगी तो अच्छा है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मतलब इस तरह स्टोरी काफी रेसिलेंस होते हैं जैसा फिल्म में, तो क्या वहाँ से क्या सपोर्ट? नहीं उत्तर प्रदेश ये बेसिकली बिहार के नक्सल के ऊपर है फिल्म, कि नक्सल एक बंदी को उठा के लेकर चले जाते हैं और फिर उसके साथ में जो जो होता है वो उसके जीवन में किस तरह से उसका बदल देता है, उसका पूरा जीवन बदल देता है, तो उसके ऊपर कहानी है। ऐसा फिल्म में क्या है जो पब्लिक को टच करेगी या थिएटर तक खींच के लेके आएगी, ऐसा कोई ऐसा? ये फिल्म का सब्जेक्ट हटके है, जितनी अभी फिल्में जो चल रही हैं लव स्टोरी नहीं है, ये एक अलग टाइप का सब्जेक्ट है जो कि नॉर्मली हॉलीवुड फिल्म में मिलता है, तो उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को भी वो सिनेमा अच्छा लगेगा। रोमांटिक सीन्स नहीं है इसमें ज़्यादा, इसमें सस्पेंस है। ओके हाई टाइड ये टाइटल जो है सर, बिहार में अक्सर बाढ़ आती है। हाँ हाँ उसको मुझे नज़र रखते हैं? नहीं 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 ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या है ये हाई टाइड? हाई टाइड समुद्र के अंदर जैसे ज्वार भाटा आते हैं तो वो एकदम से आता है आगे, आता है आगे, आता है आगे, आता है, सब कुछ तबाह हो जाता है, जो भी वहाँ पर चीज़ें होती हैं सब खाली हो जाती हैं, फिर हाई टाइड वापस चला जाता है। तो इसी तरह से एक आदमी के जीवन में जब हाई टाइड आया तो वो कैसे ऊपर तक गया, आगे गया, उसके बाद में फिर वापस लौट के आ गया, तो इट्स अ फिलोसफिकल सब्जेक्ट। एज अ प्रोड्यूसर चैलेंज रहा ये? बिल्कुल फिल्म बनाना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इमरान सर ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत जल्दी इस फिल्म का शूट कम्प्लीट हुआ, वरना नॉर्मली तो काफ़ी काफ़ी टाइम तक फिल्म का शूट चलते ही रहता है। हम लोगों का सब्जेक्ट हटके है थोड़ा, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं उसके लिए। लग रहा आप लग रहा कि आप मतलब इस तरह की कंटेंट माने रखता है ना, तो सेलिब्रिटी कोई स्टार लगता है आपको? अगर कंटेंट में दम है तो बिल्कुल क्यों नहीं, आर्टिस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट अच्छा है, कहानी अच्छी है, जाहिर सी बात है लोग अप्रिशिएट करेंगे। प्रशांत जी बहुत शॉर्ट शॉर्ट में आप जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सा खुल के बोलिए ना क्या स्टोरी सुनना चाह रहे हैं? एक्चुअली मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हूँ बेसिकली, और ये मेरा हॉबी कह लीजिए प्रोडक्शन, तो माय म्यूजिक स्पीक्स लाउडर देन माय वर्ड्स। संदूक में कोई बंद है वो कैसे निकलता है, क्या है वो कहानी, थोड़ा सा बोलिए। कहानी वो आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगी कि क्या है कहानी, ट्रेलर तो आपको ने देखा ही है। इस फिल्म में एक ही गाना है और सब्जेक्ट के ऊपर गाना है, जैसी फिल्म का सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग गाना है। एक ही गाना जी, एक ही ऐसा क्यों? अब हमारे उसमें सब्जेक्ट की डिमांड नहीं थी, सब्जेक्ट वैसे सब्जेक्ट में डिमांड नहीं थी कि इसमें और भी गाने रखे जाएं। क्या है वो गाना, किस किस टाइटल है, क्या है बैकग्राउंड म्यूजिक, क्या? ये एक पूरी फिल्म का एक सार समझ लीजिए कि वो गाना है। उसके लिरिक्स भी जो है, जो आम लिरिक्स जैसे होते हैं रोमांटिक सॉन्ग्स के, वैसे नहीं है, वो ऊपर वाले से पुकार कर रहा है कि ए आसमान वाले तूने ऐसा क्यों किया, जीवन दिया तो उसमें क्यों इतनी बंधन लगाए हैं, क्यों? दो लाइन गुनगुना दे अगर पॉसिबल। जीवन दिया तो जीने में काहे शर्तें लगाईं, राही के रस्ते मजबूरियों की कीलें बिछाई।
जी भी ना पाए मर भी ना पाए, खुद से निकल के किस ओर जाए, सांसों के घेरे में चारों तरफ है मकड़ी के जाले, ऐ आसमान वाले, ऐ आसमान वाले, ऐ आसमान वाले, सो क्योंकि मूवी की स्टोरी बहुत डिफरेंट है तो इट वाज लाइक डिफरेंट थोड़ा डिजाइन करने के लिए खड़ी लुक्स एंड ओके, सो इट वाज लाइक क्योंकि फास्ट पेस्ड है, सर्वाइवल ड्रामा है, सो उसके हिसाब से हम लोग को एक डिफरेंट टाइप ऑफ यू नो कॉस्ट्यूम रखना था, लाइक थोड़ा डल डार्कर ओथी शेड्स, क्योंकि आप जैसे देखेंगे कि उनका बैकग्राउंड है यू नो इमरान सर का बैकग्राउंड जो है उसमें इट्स लाइक अ डार्कर ब्राउनर शेड, तो उसके हिसाब से हमको कॉन्ट्रास्ट भी देखना था, एंड उस सब में थोड़ा चैलेंजिंग था, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। क्या ब्रीफिंग दी गई थी आपको जब सुनाया गया कहानी और आपने क्या तैयारी की थी? बेसिकली कहानी का ब्रीफ मेरे को पता था क्या था एग्जैक्टली, सर्वाइवल ड्रामा है वो है एंड एवरीथिंग, तो उस हिसाब से फ्रीडम थी मेरी, मेरे हिसाब से वर्क किया, लाइक यू नो सबके हिसाब से वर्क करना था, एंड हो गया, काफ़ी डिफरेंट था एक्सपीरियंस। इसके पहले भी किसी मूवी वगैरह के लिए आपने डिजाइन किया, फैशन शो क्या नहीं अभी तक तो नहीं किया।